होने वाली घटना को होने से पहले यकीन कर लूं, ऐसी दुनिया को कहा जाता है मेंटल सिमुलेशन, मानसिक सिमुलेशन। तो चौथे पॉइंट का क्या नाम है? क्योंकि बोलना आपके अंतर तक जाने की आहट है। बोलने से जो शब्द गूंजते हैं, वोकल कोर्ड्स में जो प्रेशर पड़ता है, वो आपके माइंड को इशारा करता है। तो पॉइंट क्या है? मानसिक सिमुलेशन, मेंटल सिमुलेशन। और मेंटल सिमुलेशन की जो अवस्था है वो चौथे नंबर पे आएगी, वो चौथे पे आएगी। कल्पनाओं की दुनिया में लेके जाना मानसिक सिमुलेशन का काम है। जो आंकड़े भी आपके सामने नहीं हैं, उन आंकड़ों को पहले से आपका दिमाग क्रिएट करना चालू कर देवे, यह अवस्था है मानसिक सिमुलेशन। जो चाहत और जो सपना आपने देखा है वो भी पूरा नहीं हुआ है, होने से पहले देखने की कला है मानसिक सिमुलेशन। बिस्लरी के मालिक ने होने से पहले देखा एक दिन पानी बिकेगा देश में। जब उसने कहा तो परिवार ने बोला, मूर्ख, दूध नहीं बिकता और तू पानी बेचेगा। आज दूध बिक रहा है 50 रुपए लीटर और पानी बिक रहा है वेदांता हिमालय का 75 रुपए लीटर। होने से पहले जिसने देखा, दिस इज मेंटल सिमुलेशन। होने से पहले जिसने देखा, हवाई जहाज नाम की चीज पूरे विश्व में नहीं थी, लेकिन राइट ब्रदर्स ने होने से पहले हवाई जहाज को देखा और उड़ाया। दिस इज मेंटल सिमुलेशन। हुआ नहीं था हवाई जहाज से पहले, हवाई जहाज किसी ने बनाया नहीं था। आप अपनी जिंदगी में जो भी करने जा रहे हो सकता है आपको मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, अरे तो पहले किसको था? जिसको पहले था उसको पहले बार ही था, पहले से पहले किसी को नहीं था, किसी को नहीं था ना। अमिताभ बच्चन को एक्टिंग में आने से पहले एक्टिंग का अनुभव नहीं था, मेंटल सिमुलेशन। मोबाइल बनने से पहले जिसने मोबाइल को बनाना देख लिया, मेंटल सिमुलेशन। भाप का इंजन बनने से पहले जिसने बना दिया अपने माइंड में, मेंटल सिमुलेशन। इस दुनिया में जिस इंसान ने घटना हुई नहीं है, होने से पहले जो देख लेगा अपने दिमाग में, वो ही बापू है। होने से पहले देखो, होने से पहले देखो। 100 साल पहले चीजें बेचने का सिस्टम अलग अलग था, बार्टर सिस्टम चलता था। कपड़े दे दो, गाय ले लो, बर्तन दे दो, अनाज ले लो, थारी छाछ मारा बैंगन, ऐसे लेते देते थे। इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। ये 100 साल पहले था। जिसको होने से पहले दिख गया, अब हाट बाजार आएंगे और दुनिया बदलेगी। जो पहले मेंटल सिमुलेशन कर गया वो उस इंडस्ट्री में दिग्गज बना। जिसको फिर समझ में आ गया, अब हाट बाजारों के बाद सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, सोने की गिन्नी आने वाली है। जो पहले उसको समझ गया, जिसने पहले मेंटल सिमुलेशन कर लिया, वो उस इंडस्ट्री में बेताज बादशाह बना। जिसने अपनी जिंदगी में ये समझ लिया कि अब आने वाले टाइम पे चीजें दुकानों पे बिकेंगी, जो पहले समझ गया मेंटल सिमुलेशन। होने से पहले देखना कला है, होने के बाद तो कोई देख ले। होने से पहले देखूंगा मैं यूरोप जाऊंगा, नहीं सर होगा तब देखेंगे। अरे होगा तब क्या देखेगा, सोचेगा तब होगा। अच्छा बच्चा सोचेंगे तब होगा या होगा तब सोचेंगे? कई सोच रहे हैं अभी भी, इस बारे में भी सोच रहे हैं। अरे सोचेंगे तब होगा, होने के बाद सोचना क्या है, फिर तो जड़वा मांगड़ा होगा, फिर सोचना क्या है। मेंटल सिमुलेशन वो ब्लूप्रिंट है जो किसी घटना के मूर्त रूप लेने से पहले आपके दिमाग में उपज जाए। और जो दिमाग में उपज गया, अगर जेगुआर आपके दिमाग में उपज गई, BMW आपके दिमाग में उपज गई और प्रिंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिख गया, अगर ऑडी आपके दिमाग में दिख गई, बेंच अगर आपके दिमाग में दिख गई, आपका 500 गज में एक बड़ा बंगला आपको दिख गया,
धुंधला धुंधला नहीं, जिसको दिख गया वो अपनी जिंदगी में अपने मेंटल सिमुलेशन से पिछली 3 घटनाओं को साथ में लेके अपनी जिंदगी के हर आयाम तक पहुंच सकता है। इसे कहते हैं मेंटल सिमुलेशन। और जिसने मेंटल सिमुलेशन नहीं किया, होने वाली घटना को पहले नहीं देखा, वो बर्बाद हो गया, वो गया। जैसे पहले अपने यहाँ पे सिनेमा हॉल चलते थे, अंकुर, अंबर, शालीमार, अलका, जेम, मयंक, इन सब में आज खटमल घूम रहे हैं, खटमल। उसको देखना चालू करो, यही है मेंटल सिमुलेशन। बड़े बड़े सिनेमा हॉल, जिनको ये पता नहीं था कि मल्टीप्लेक्स का जमाना आएगा, जिसने मेंटल सिमुलेशन नहीं किया, उड़ गया रे, उड़ गया। पहले इतनी बड़ी बड़ी कैसेटें चलती थी, वीसीआर वीसीपी में अपन डालते थे ना, ठीच क्या, फिर वो हेड को साफ करते थे रुमाल से, साफ नहीं आ रही, साफ नहीं आ रही, किधर गई, चली गई। वो कैसेटें आती थी टेप रिकॉर्डर में, तुम तो ठहरे परदेसी, किधर गई। वो कोडक रील, तेरी 35 मेरी 33 निकली, उड़ गई। जिसने भी मेंटल सिमुलेशन फ्यूचर का नहीं देखा, वो उड़ गया। वो बैंड चलते थे पहले, हुडी थे टकीला, किधर गए, तू तक तू तक तूतिया हो गए, गए रे। जिसने अपनी जिंदगी में अपने फ्यूचर का मेंटल सिमुलेशन नहीं किया, उड़ गया। रियल स्टेट इंडस्ट्री हो, चाहे दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री हो, वही लोग आगे तक पहुंचते हैं, हालात जो भी हों, अगर मेंटल सिमुलेशन पॉजिटिविटी की तरफ है, दुनिया की कोई ताकत आपके सपनों को आप तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। मेंटल सिमुलेशन पॉजिटिव चाहिए, मेंटल सिमुलेशन की भूमिका बनाइए। अभी तो समझ में आई किसे कह रहे हैं छिगंजी भाई साहब? मेंटल सिमुलेशन मानसिक चित्रण करना, जो हुआ नहीं है होने से पहले देखना, हुआ नहीं है होने से पहले देखना, हुआ नहीं है होने से पहले देखना। जिस भी इंसान ने अपनी जिंदगी में जो भी घटना नई ईजाद की है दुनिया में, उसी ने की है जो पहले यहाँ ब्लूप्रिंट बना है। ताजमहल बाहर बाद में बना, पहले माथे में बना। चांद पे दुनिया बाद में पहुंची, पहले माथे में पहुंची। आप में से जितने लोग, कितने लोग हैं जो थाईलैंड क्वालिफाई हो चुके हैं? ऑल राइट, हाथ खड़े रखना जितने लोगों ने हाथ खड़े किए। आप सब लोगों से पूछ रहा हूं जो थाईलैंड अचीवर है, मां कसम खा के कहना, जाने से पहले सोचा था कि नहीं सोचा था कि हाँ अचीव करेंगे? सोचा था ना, अचीव करने की चाहत थी ना, यही मेंटल सिमुलेशन है। अब तक जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं उनको कह रहा हूं, सिर्फ एक चीज आपके और थाईलैंड और यूरोप के अचीवमेंट के बीच में है, एक चीज, आपका माथा यकीन नहीं कर रहा है। आपका माथा बार बार कह रहा है, बाप दादे नहीं गए तो तू क्या जाएगा, रहने दे, चील गाड़ी में कभी बैठा है तेरा बापू भी, तू क्या बैठेगा, रहने दे। ये माथा जब जब ये गवाही देगा, तब तब मेंटल सिमुलेशन नेगेटिव होगा। और जब जब जिंदगी में, अरे मैं भी जाऊंगा, कितने लोग हैं जो अब तक फ्लाइट में विदेश गए नहीं, गए नहीं, हाँ, ओ माय गॉड, मेरी पहली फ्लाइट थी 22 अप्रैल सन 2007, जंबो जेट था मलेशिया का। तो शुरू में तो वो यूं चल रहा था, अरे मैंने कहा ये पहुंचा दिया मलेशिया, ऐसे जैसे ही उसने गति को बनाया और उसने जैसे ही गुरुत्वाकर्षण को, जमीन को छोड़ा, तो मेरी नाभि में ये जो ठंड लगी रे, ये करोड़ों में नहीं बताई जा सकती, यहां जो आनंद आया है ना, ये जो आनंद आया। और फिर विदेशों की होटल्स का ट्रीटमेंट भी गजब है, जबरदस्त। मैं सबसे पहले गांव का देसी आदमी बाथरूम जरूर देखता है क्या व्यवस्था है। मैं टब जाके देखा और टब में जैसे लेटा तो हाथ निकल के आए
मैं जंप मार के बाहर आया और बाप रे ये क्या लपड़ा है। मैंने मेरे दोस्त को फोन मिलाया, मैंने कहा भैया हाथ निकल रहे हैं। उन्होंने कहा अरे पागल हाथ नहीं है, ये पानी का फ्लो ही ऐसा आ रहा है जो तेरे मालिश करेगा, ये जकूजी बात है, साधारण टब नहीं है। और जैसे उन्होंने बोला मैं 7 घंटे तक उसी में आनंद लिया। मैंने कहा बाढ़ में गई जनता, तू ले ले मजे इसके, बाद में आए नहीं आए, 7 घंटे तक उसी में रहा। और इतना आनंद आया कि अगर खान में काम करने वाला कोई मजदूर उसमें सो जाए तो सुख से ही मर जाए, साला सुख से मर जाए। तो जो अभी तक गए नहीं है ना, या जो क्वालिफाई नहीं हुए, पता है उनकी सबसे पहली गलती, अभी तक उन्होंने पासपोर्ट ही नहीं बनाया। पता है क्यों नहीं बनाया? उनको पूरा यकीन है कोई माइका लाल साला हमें ले जाके दिखाओ, साला यूरोप ले जाओगे आप, ले पासपोर्ट बिना लेके जाओ। कल की तारीख में, यूं कहूं आज की तारीख में, गूगल पे लिखना पासपोर्ट सेवा, जिस पे gov.in आए वही वेबसाइट असली है, बाकी सब नकली है। आज की आज पासपोर्ट का फॉर्म फिलअप कर देना, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना। लेकिन पासपोर्ट अगर बन गया, इस धरती पे मैंने जितने लोगों को देखा है ना जिसने पासपोर्ट बनवाया है, और ये पासपोर्ट बनवाना इस बात की गवाही है कि उसका माता कह रहा है तू जाएगा एक दिन, तू जाएगा एक दिन, तू जाएगा एक दिन, तू जाएगा। तो पहले तो पासपोर्ट बनवा लो। आपको अपनी जिंदगी में अपने पासपोर्ट को अप्लाई करके अपना मानसिक सिमुलेशन करना है कि मुझे जाना है। तो मेंटल सिमुलेशन के लिए आपसे मैं 4 बातें करूंगा जो सामने है, इसको आप एक बार फोटोग्राफ में क्लिक कर लो। ऑल राइट, आगे बढ़े। देखिए मेंटल सिमुलेशन का पहला कोटेशन, कोई निश्चित काम करने की कल्पना करना, थाईलैंड की कल्पना करना, यूरोप की अचीवमेंट की, अपना रैंक बदलने की, और ज्यादा सेल कर सकूं इसकी, उतने ही बोल रहे हैं जितने बेचारे कल्पना करते हैं। बाकियों की कल्पना कहां गई? दोबारा पूछ रहा हूं, थाईलैंड जाने की, यूरोप जाने की, सेल्स को और डेवलप करने की, इसका मतलब है कोई निश्चित काम। आपके लिए निश्चित काम आपको पता है, मेरे लिए निश्चित काम मुझे पता है। आपके लिए निश्चित काम है मुझे फील्ड में दौड़ना है, मुझे जिंदगी में संभावित ग्राहकों को खोजने की स्पीड बढ़ानी है। अब कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, कितने लोग मरना चाहते हैं, नीचे हो गए हाथ, बिना मरे स्वर्ग जा नहीं सकते। और अब की बार थाईलैंड करने के लिए खुद को, मतलब अगर वजन खुद को कम करना है तो पत्नी को दौड़ाने से वजन कम होगा, अब की बार खुद को करना होगा क्योंकि स्वर्ग खुद को जाना है। आपकी पर्सनल सेल, जिंदगी में बहुत बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो नेशनल खेल रहे हैं और रणजी आके खेलना पड़ रहा है, क्योंकि फिर आप अपने स्टेट के लिए खेल रहे हो। ये वैसे ही है जैसे लेवल तो आपका बड़ा है, आप रूबी हो, आप डायमंड हो, आप बड़े हो, लेकिन आपको मैदान में फिर कह रहे हैं अब बहुत दिन हो गए, देखे शिकार करना भूल तो नहीं गए, मैदान में आके तो दिखाओ। मैंने तो ऐसी 200 बार परीक्षाएं दी है जो अपने आप को साबित किया हूं। हेलो, आज भी धार वैसी की वैसी है सेल्स में। अपने आप को प्रूव करने का एक तरीका है सेल्स का, इसे बोलते हैं डायरेक्ट सेल्स। जब जिंदगी में आपके ऊपर डायरेक्ट जिम्मेदारी आती है तो आप कितना निभा पाते हो, नहीं तो भूल जाओगे, भूल जाओगे। सर्कस का शेर था और 15 सालों से वही पड़ा था, तो खाने को पिंजरे में मिल रहा था, सारा काम वही मिल रहा था, सारी सेवा वही हो रही थी। सर्कस एक बार दिवालिया हो गया तो सर्कस ने सारे शेरों को छोड़ दिया, जाओ तुम तुम्हारे हम हमारे। तो सर्कस का शेर जब जंगल गया ना तो 15 जंगली कुत्तों ने मिलके साले शेर का शिकार कर लिया। ये बात समझ में आई? क्योंकि शेर 15 सालों में शिकार करना, जंगली कुत्तों के हाथों मारा गया। इसलिए जिंदगी में अगर एक बार शेर बनने की ठान ली और बन गए हो
तो कोई दुनिया का आदमी कभी परीक्षा ले ले, मैं तो आपको कह रहा हूं 19 साल, मुझे 19 सालों में 20 बार ऐसा हुआ होगा जब मैं वापस पीक से बॉटम पे उतरा और मैदान में उतर के धूम मचा दी। डायरेक्ट सेल्स करने में कभी पीछे नहीं रहा, डायरेक्ट लोगों को डील करने में, डायरेक्ट लोगों के क्वेश्चन के आंसर देने में। जब जब जिंदगी में लोगों की थप्पड़े खाने का टाइम आता है ना, निखार तभी ज्यादा आता है। चाहे आप कितने भी बड़े बापू बन जाओ, अगर थप्पड़े खाना बंद कर दी ना आपने, किसकी, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, वो जो भांति भांति के टेढ़े मेढ़े सवाल पूछता है, ये बंद करते ही आपकी धार कमजोर हो जाती है। मेरी धार कभी कमजोर नहीं होने देता, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स के सेशन रख लेता हूँ, अपने आप को फील्ड में झोंक देता हूँ, ताकि सेल्स की धार अगर कम हो गई तो क्या सिखा पाऊंगा। इसलिए अपना मेंटल सिमुलेशन कैसा रखना, जिस निश्चित काम की कल्पना करते हो उस काम के होने से पहले उसके रिजल्ट्स को अपने माथे में ब्लूप्रिंट बना लेना, मेंटल सिमुलेशन है। रिजल्ट को और पॉजिटिव रिजल्ट को मेंटल सिमुलेशन तो पूरा देश ही करता है। कुछ बर्बादी के चित्र बनाते हैं, कुछ सृजन के चित्र बनाते हैं, कुछ विध्वंस के चित्र बनाते हैं, कुछ क्रिएशंस के चित्र बनाते हैं। जो व्यक्ति सेल्स की दुनिया में अपने फ्यूचर के ब्लूप्रिंट पॉजिटिव रिजल्ट में बना लेगा, वो आदमी जीवन में कामयाब होगा। इसलिए अक्रेशिया मिट गई है, एक जगह ताकत लग गई है, ध्यान भंग होने दोगे नहीं। अब मेंटल सिमुलेशन से अपने आप को जबरदस्त प्रिपेयर करना, क्योंकि ध्यान रखना जिंदगी सारी मेंटल सिमुलेशन पे काम करती है। कल्पना में बहुत भयंकर ताकत है। अमेरिका में एक आदमी ने किसी का बर्फ का चाकू बना के मर्डर कर दिया, तो जज ने उसका दिमाग हिला देने वाली सजा दी। जज ने उसको क्या पनिशमेंट दिया कि सबसे पहले तो इसको 1 महीने के लिए जेल में बंद करो और वहां से निकाल के 1 महीने तक फ्रिज में बंद करो। इसने हमें चौंकाया है, हम इसको चौंकाएंगे। 1 महीने उसको जेल में बंद रखा और वहां से निकाल के उसको 1 महीने तक फ्रिज में बंद रखा। जब निकाला तो कार्यक्रम समाप्त था। अब 2 रिपोर्ट आई, एक पोस्टमार्टम की, एक सर्वे की। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कह रही थी इस आदमी की मौत बहुत ठंड से हुई है, बेहद ठंड से मरा है ये। और सर्वे की रिपोर्ट कह रही थी जितने दिन ये आदमी फ्रिज में बंद था, फ्रिज खराब था। फ्रिज में ठंड नहीं, फ्रिज में गर्मी थी। अब मैं आपसे पूछता हूं, वो आदमी गर्मी में ठंड से कैसे मर गया? सब अंगुली इधर लगाओ। ठंड तो जेल में लग गई थी और फ्रिज में मरूंगा। अगर सोच सोच के मेंटल सिमुलेशन से गर्मी में ठंड से मरा जा सकता है, तो सोच सोच के डेली की सेल भी की जा सकती है। यूरोप किया जा सकता है, थाईलैंड किया जा सकता है, डायमंड बना जा सकता है, किया जा सकता है मेंटल सिमुलेशन से। मेंटल सिमुलेशन आपकी जिंदगी में आपको कहता है पॉजिटिव रिजल्ट्स का ब्लूप्रिंट बनाओ। समझ में आया? दूसरा पॉइंट इस बिंदु का कहता है, मानसिक सिमुलेशन हमारी पहले की अनुभूति और अनुभव के जो ग्राफ बन गए हैं, जो पहले के अनुभव हैं उसके जो ग्राफ और पैटर्न बन गए हैं, जो माइंड में चार्ट बन गए हैं, उनकी स्मृति के आधार पे भरोसा करता है। ये तो किताबी बात थी, अब समझो मेरे से। जिस इंसान ने जिंदगी में बहुत दुख देखे और बहुत असफलताएं और धोखे देखे हैं ना, तो बहुत बड़ी संभावना है कि आगे भी उसका माथा ऐसा ऐसा कहेगा, दुनिया में कोई विश्वास करने लायक नहीं है भैया, दुनिया बहुत बेकार है, दुनिया में सब धोखेबाज है दुनिया में। क्योंकि ये माइंड जो सिमुलेशन करेगा, वो पहले के जो ग्राफ बन गए, जो पहले के पैटर्न बन गए, जो पहले के अनुभव बन गए, उनके आधार पे आपकी जिंदगी में प्रिंट बनाता है। इसलिए ध्यान रखना, जैसे मैं आपको बताऊं, आप में मैं सब लोगों को सीधा प्रश्न पूछता हूं, अगर आपको ज्वालामुखी में कूदा दिया जाए तो आपका पहला स्टेप क्या रहेगा? आप ज्वालामुखी में कूद तो चुके, अब आप पहला काम क्या करोगे?
आनंद लोगे वहां पे, डांस करोगे, पहला काम क्या करोगे, चिल्लाओगे या निकल के भागोगे? ये तो भूल ही गए सब कि निकल के भागना भी है, जलवानी है क्या वहां पे सारी? बताओ बताओ पहला काम क्या करोगे, भागोगे ना, और कुछ नहीं है। अरे थोड़ी सी भी अपन जब माचिस की तिल्ली से भी जलते हैं तो फिर चिल्लाते हैं कि बाहर है, अरे हटाई इसको, बाहर है क्या कर रहा है, हटाते हैं ना। तो जब ज्वालामुखी में कूदोगे तो सबसे पहला काम क्या करोगे? अब मैं आपसे पूछता हूं, आज तक जिंदगी में अपने बाप दादाओं ने भी ज्वालामुखी देखा है क्या? तो कूदने का तो लफड़ा ही नहीं, फिर भी आप भागोगे ऐसा क्यों बोला? क्योंकि पहले के अनुभव ये कह रहे हैं कि ज्वालामुखी में जल जाती है। पहले के अनुभव और मानसिक चित्रण ये कह रहा है ज्वालामुखी में लावा होता है और वो गर्म होता है। जो कभी देखा नहीं उसके लिए भी कह रहे भागेंगे भागेंगे। अच्छा आपके सामने डायनासोर आ जाए तो पहला काम क्या करोगे? हेलो हाउ आर यू, फेसबुक आईडी क्या है, ऐसा पूछोगे? पहला काम क्या करोगे? अपन ने डायनासोर देखा क्या? लेकिन पहले के अनुभव कह रहे हैं भागने में ही फायदा है। ऐसे जिंदगी में हमारे जो अतीत के अनुभव है ना, मतलब दुनिया उसी रंग की दिखती है जिस रंग का चश्मा होता है। मेंटल सिमुलेशन उसी का पॉजिटिव होगा जिसकी जिंदगी में पहले के कुछ ब्लूप्रिंट पॉजिटिव हैं। तो जिसको इस व्यापार में अभी ताजगी ताजगी हवा ले रहा है ना, ताजी ताजी हवा, नया नया आया है, नई नई आई है, अभी तो नए हैं, अभी तो यहाँ के देखने। सुनो, अतीत में जिंदगी में अगर एक भी सफलता आपने जिंदगी में छकी है तो मैं आपसे इस बिहाब पे कह रहा हूं, यहां आपका जीवन बदलेगा, सपने पूरे होंगे। मेंटल सिमुलेशन पॉजिटिव करना, मानसिक सिमुलेशन हमें मस्तिष्क के ए बिंदु से ब बिंदु, ए से ब पे जाने के लिए जो जोड़ता है वो काम करता है। मेंटल सिमुलेशन मस्तिष्क के ए बिंदु से बी बिंदु पे जो रास्ता बनाता है, पुल ब्रिज बनाता है, वो जोड़ने का काम करता है। आप अभी नॉर्मल इंसान हो और अमीर बनना चाहते हो, अभी अमीर नहीं हो, बनना अमीर चाहते हो, तो दो बिंदु मिल गए, ए गरीब, बी अमीर। ए से बी को धरती पे जोड़ने का अगर कोई काम कर सकता है तो माथा, मेंटल सिमुलेशन। ये मेंटल सिमुलेशन से धरती के सारे गरीब अमीर बने, सारे नाकामयाब लोग कामयाब हुए। तो इस ए से बे के बीच में जो रास्ता बनाया ना, वो ये काम करता है जोड़ने का, जो आपको स्वांग कराता है। स्वांग समझते हैं, हुआ नहीं है लेकिन होने से पहले उसका एहसास होता है। देखो बहू है, प्रेग्नेंट हुई है, अभी तो पहला महीना है और सासू पता है क्या सोच रही है? मेरा पोता पोती आएगा, मेरे आंगन में किलकारियां गूंजेगी, फिर इसकी बहू आएगी, वो काम नहीं करेगी तो मैं उसके खींच के मारूंगी। ये क्या है, ये क्या है? अभी तो पार्टी आएगी कि आएगा कि कुछ पता नहीं है, लेकिन ए से बी को जोड़ने का कार्यक्रम चालू है। ये ए से बी जुड़ता है तभी तो 12 डेसिबल दर्द सहन कर जाती है मां। दुनिया में विज्ञान कहती है 9 डेसिबल से ऊपर दर्द हो तो इंसान मर जाता है, और गर्भवती मां अपने बच्चे को जन्म देते टाइम 12 डेसिबल दर्द सहन कर जाती है सिर्फ एक वजह से, मेरे घर पे नन्ना मुन्ना आएगा और किलकारियां गूंजेगी। खुद कैसी हो, पति कैसा हो, लेकिन जो चित्र लाके लगाती है वो दुनिया के सबसे खूबसूरत बच्चे के लगाती है। पहले महीने के जो बदलाव आते हैं, उल्टियां आना, जी मचलाना, खाना अच्छा नहीं लगना, सहन करती है। तीसरे महीने का चिड़चिड़ापन आना, सहन करती है। पांचवें महीने में बच्चे की लातें मारना, सहन करती है। छठे महीने की पाँव में सूजन आ जाना, सहन करती है। कभी कोई ऐसी मां मिली जो छठे महीने में कह रही है साला क्या बच्चा बच्चा फेंक इसको साला बहुत तकलीफ देता है, ऐसी मां मिली नहीं, क्योंकि उसको बी पॉइंट पता है।
जिस मां को बी पॉइंट पता है ना, अभी तो 12 डेसिबल दर्द सहन करेगी, और 90 महीने की हालात आप देखो तकलीफ कितनी। लेकिन जिसको बी पॉइंट पता है वो विज्ञान को चौंकाने वाली है, और जिसको बी पॉइंट पता नहीं है, जैसे एक पागल सी लड़की थी, गर्भवती थी, बच्चा होने ही वाला था, 5-10 मिनट आधे घंटे की देरी थी तो थक गई, तो उसने माँ को बोला, माँ मैं तो नींद आ रही है, सो रही हूँ, बच्चा होवे तो मुझे जगा देना। तो माँ ने बोला, बेटा तू सो जा, मैं तुझे नहीं जगाऊंगी, तू मोहल्ले को जगाएगी जब बच्चा होगा। तो आप में से कई पूछ सकते हैं, सर मुझे कैसे पता चलेगा बी पॉइंट आया कि नहीं आया? तू मोहल्ले को जगाएगा जिस दिन तेरे बी पॉइंट आएगा, तेरा सपना जिस दिन क्लियर होगा ना, पूरे कॉलोनी को जगाएगा, पूरे मोहल्ले को जगाएगा जिस दिन बी पॉइंट आएगा। मैं दिन में 15 घंटे से 18 घंटे मेहनत करता हूँ, महीने में 25 दिन फ्लाइट्स में रहता हूँ, 5-5, 10-10 दिन की मेरी ट्रेवलिंग, और मेरा खाना मेरे साथ रहता है, कितनी तकलीफ होती होगी। लेकिन मेरी जिंदगी में मुझे बी पॉइंट पता है। जिसको बी पता नहीं है ना, दर्द उसके है, जिसको बी पता नहीं है ना, माइंड में कीड़ा उसके है, जिसको बी पता नहीं है ना, वो इधर इधर भंवरों की तरह घूम रहा है, वो घूम रहा है। अरे बी पॉइंट का पता करो, अमेरिका का इतिहास पढ़ो, जापान का इतिहास पढ़ो, रियल स्टेट की मंदियों का इतिहास पढ़ो, कि हर बॉटम के बाद इंडस्ट्री ने जो पीक तोड़ा है वो पहले से 1000 गुना तोड़ा है, लेकिन फायदा उन्हीं को हुआ है जो टिके रहे थे और मजबूती से काम किए थे। बी पॉइंट का पता जिसको होगा उसी का माथा सही जगह जाएगा, नहीं तो दिमाग इधर उधर भ्रमित हो जाएगा। और जिंदगी में ध्यान रखना, अगर गूगल को भी आपने कुछ दिया, अच्छा आपने गूगल, आप जाना तो चाहते हैं यहां से कोटा, और गूगल पे लिखा ही नहीं, तो वो ले जाएगा क्या कोटा? वो भी तब ले जाएगा कोटा जब आपने उसको बी पॉइंट दिया है। बताओ सच है कि नहीं? गूगल भी तब काम करता है जब ए से बी पॉइंट बताओ। आपके माथे को अगर मेंटल सिमुलेशन ये पता ही नहीं है कि करोड़ रुपए आएगा तो मेरी जीवन उस दिन क्या होगा, 10 करोड़ रुपए का जब मैं मालिक बनूंगा उस दिन मेरी जिंदगी कैसी होगी, जिस दिन मेरे पास 100 करोड़ के एसेट होंगे उस दिन मेरी जिंदगी कैसी होगी, अगर ये बी पॉइंट आज पता नहीं है तो ये बी पॉइंट पे आप जिंदगी में कभी नहीं पहुंचोगे। इसलिए बी पॉइंट रखो। मैं हर बार जब आपके आता हूं मेरी जिंदगी का बी पॉइंट बताता हूं, तब आपसे अपेक्षा करता हूं आप भी अपना बी पॉइंट बनाओ। आपकी जिंदगी में आपको अपने माइंड को बी पॉइंट देना ही होगा, और जिसका बी पॉइंट नहीं है वो फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल मुक्त परमाणु, नो डायरेक्शन डायनेमो। एक बाबा था, इधर जा रहा था, जिधर जा रहा था हवा भी उधर की थी, तो बाल मुंह पे आ रहे थे, जा रहा था बाल मुंह पे आ रहे, दिमाग खराब हो गया तो इधर मुड़ गया, क्या फर्क पड़ता है साला इधर चल चले। ऐसे कई बाबा हैं जो हर 5-6 महीने में बाबा बन जाते हैं, इधर की हवा है साला इधर छोड़, इधर की है तो इधर छोड़। ये बकरियों का काम नहीं है, बकरियों का काम नहीं है, ये शेरों का काम है। और जितने लोगों को मार्केट से भटकाव मिलता है ना, वो बकरियों को ही मिलता है, शेरों को नहीं मिलता है। जब रोड को बकरियां क्रॉस करती है ना, तो साइकिल वाला भी घंटी बजाता है, हट जा हट जा, कारों वाले ट्रक वाले सब घंटियां बजाते हैं, और बकरियां भाग रहे भागती है। और जब शेर रोड क्रॉस करे, बजा हॉर्न, साइड में ले ले, बापू जा रहा है, बापू बनो जो हॉर्न नहीं बजाए, कोई नहीं, कोई आके हॉर्न बजाएगा, कोई भी आके हॉर्न बजा देगा। जिंदगी को उसूलों के साथ, सिद्धांतों के साथ जियो, और 5000 वर्ष का इतिहास पढ़ लो, जिसने अपनी लाइफ को प्रिंसिपल्स पे रन किया है ना, अधूरा नहीं रहा। नहीं कईयों की माला टूट गई, ये नहीं पता, सुनाता हूँ। एक मारवाड़ी था, वो बकरी को लेके जा रहा था, तो बस कंडक्टर ने कहा बकरी नहीं लेके जाऊँगा, तो वो नीचे उतर के बुरका उरका पहना दिया बकरी को,
बुरका पहना के कि भाई अब कि ये कौन है, कि मेरी नानी है, उम्र से मुरझा गई थोड़ी ऐसे है, कि ठीक है बिठा ले। थोड़ी देर में बकरी ने पोटी कर दी तो बच्चे ने बोला, अलो आपकी नानी की रुद्राक्ष की माला टूट गई। ये भी हर किसी को समझ में नहीं आएगा, उसी को समझ में आएगा जिसने बकरी की देखी हुई है, क्योंकि जिसने आज तक देखी नहीं उसको रुद्राक्ष की माला का पता भी नहीं चलेगा।